आगरा में नकली शैंपू के कारोबार पर पुलिस का छापा। मकान के अंदर बनाया जा रहा है ब्रांड के नाम से नकली शैंपू। कबाड़े के गोदाम से खरीदते थे प्लास्टिक शैंपू की बोतलें। मकान से भारी मात्रा में शैंपू का बना हुआ माल भरी और खारी बोतलें हुई बरामद। 3 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस कार्यवाही में जुटी। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने की छापामारी। सर, थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने फर्जी शैंपू बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार हुए? थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में चंदन नगर पड़ता है, वहाँ पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन 3 अभियुक्तों को के पास से हम लोगों को फर्जी शैम्पू बनाने के कुछ उपकरण मिले हैं, जिसमें 1500 के करीब फर्जी शैम्पू मिले हैं और कुछ खाली डिब्बे मिले हैं। उन शैम्पू जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक क्लिनिक प्लस, डव, ट्रेसमे, इस तरह के शैम्पू ये लोग फर्जी बनाकर मार्केट में निकाल देते थे और इससे मुनाफा करते थे। ये 3 लोग हैं जो हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, तथा इनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से खरीदते थे सर, कहाँ बेचने का काम किया जाता था इसके बाद? ये मार्केट में निकाल देते थे और ये सारा सामान खुद ही बनाते थे, लिक्विड लाते थे केमिकल, उस केमिकल से उन शैम्पू में भरते थे और फिर इसको मार्केट में उतार देते थे। अनुमानित कीमत की बात करें तो सर कितनी कीमत आंकी जाती है सर, कितना माल पकड़ा आपने? कीमत तो इसमें इसकी कीमत अराउंड 3 से 5 लाख के आसपास इन लोगों ने, हम लोगों ने जो पकड़ा है वो इतनी खेप है। बाकी और हम लोग लगे हैं, अगर इस तरह का और कुछ मिलता तो हम लोग फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारे जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।